रांची राज्य में बालू के अवैध खनन, तस्करी, अबुवा आवास में भ्रष्टाचार के विरोध का अनोखा तरीका से भैरव सिंह ने अपनाया। उन्होंने गुरुवार को चुटिया पक्का कुआं के पास दुकान लगाकर 100 रुपये किलो बालू की बिक्री की। भैरव सिंह ने बाकायदा एक वाहन में बालू लादकर दुकान खोली और तराजू बटखरे के साथ बेचने के लिए दुकान लगाई। कई लोग ग्राहक बनकर पहुंचे और 100 रुपये किलो बालू खरीदा। बाजार की तरह तोल मोल का दृश्य में देखने को मिला। महंगे दाम को लेकर ग्राहकों से नोकझोंक भी दिखी। इस पर दुकानदार भैरव सिंह ने कहा कि झारखंड में बालू तो उसी को मिलेगा जो बहुत पैसे वाला हो या फिर मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार हो। आम आदमी को बालू खरीदने की औकात नहीं है। खनिज संपदा से सरकार की जेब गर्म हो रही है। बालू नहीं मिलने से विकास के बड़े बड़े काम राज्य में रुके हुए हैं। अबुआ आवास में भ्रष्टाचार हो रहा है। झारखंड में झूठे वादे करने वाली सरकार है जो नौकरी के वादे पूरे कर पा रही है विकास का। यहाँ देखिए सारे बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं, 100-100 रुपया में इन लोग बालू खरीदने को मजबूर हैं। प्रदर्शन करने का एक अनूठा तरीका था जिसके माध्यम से हम लोग लोगों तक ये विषय पहुंचाना चाहते हैं। ये जो भ्रष्ट सरकार है जो केवल झूठे वादे करती है, चाहे वह नौकरी का वादा हो, चाहे वह बच्चों के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का वादा हो, चाहे वह सस्ता बालू का वादा हो, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूँगा जन जन तक ये विषय पहुँचे और लोग इस विषय को लेकर के जागरूक हो, इस भ्रष्ट सरकार के विरोध में रोड में उतर जाए। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।